ही पुराण है माँ ब्रह्मा का दान, यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का दान। हम माँ बेटे की छोटी सी एक कथा सुनाते हैं, कैसा होता है माँ का दिल ये तुम्हें बताते हैं। एक नगर गांव में एक माँ और एक बेटा रहता था, बेटा था आवारा पर वो माँ का तो चहेता था। माँ मेहनत मजदूरी करके जब घर को थी आती, तक कर हो जाती चूर मगर बेटे को लाड लड़ाती। अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत जीवों के उपकारक, चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशह वंदना अर्ज करने के पश्चात, आप और हम सब पर्युषण पर्व की आराधना करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। सब लोग पर्वाधिराज के साथ जुड़े और इसमें हमें अपनी आत्मा के लिए क्या करना है, इस संदर्भ में हमारे पूज्य गुरुदेव शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य रूपचंद जी महाराज साहब के गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज साहब का एक भजन पुरानी प्राचीन तर्जों पर, और जो सीधा सीधा अपना अर्थ आपके सामने उद्घाटित करेगा, ऐसे सुंदर भजन के साथ आप भी मेरे साथ उन पंक्तियों को दोहराने का प्रयास करेंगे। पर्युषण पर्व की आराधना कैसे की जाए, मुनिराज सुनावे ओछी उमर में करनी कीजिए, मुनिराज सुनावे ओछी छोटी सी उम्र है, दसे डावड़ो बीसे बावड़ो तीसे तीखो चालीसे फीको अने पचासे पाको साठे थाको सितरे सुड़ियो असिये रुड़ियो निब्बे नागौन सौ में भागो। बस इतनी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी के अंदर हमें अपने पर्युषण पर्वाधिराज की और अपने इस जीवन को धर्म से कैसे सजाना है, वो बात मोतीलाल जी महाराज साहब फरमाते हैं। नर देह पाई करो भलाई, फिर अवसर नहीं आवे, नर देह पाई करो भलाई, फिर अवसर नहीं आवे, पशु बराबर जानो उनको, पशु बराबर जानो उनको, नर भव अफल गमावे जी मुनिराज सुनावे, ओछी उमर में करनी कीजिए, मुनिराज सुनावे ओ
ओछी उम्र में। सभी भाग्यशाली नींद उड़ाएंगे और गुरुदेवों की इन पंक्तियों को गुनगुनाएंगे तो आपको धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, देव गुरु के प्रति अंतर से श्रद्धा और सद्भाव बढ़ेगा और उससे हमारा जीवन धर्म से जुड़कर आगामी जीवन को सुंदर सुखद बना सकेंगे। जबर काम है मोह जाल को खबर पड़े कुछ ना, जबर काम है मोह जाल को खबर पड़े कछु ना, इनको जीते सो सुख पावे, इनको जीते सो सुख पावे, धर्म करो चित लाय जी मुनि राज सुनावे, ओछी उमर में करनी कीजिए मुनि राज। घर धंधा में पच रयो सरे मरणो जाने नाय, घर धंधा में पच रयो सरे मरणो जाने नाय, बांध्या सो ही भोग वेश रे, बांध्या सो ही भोग वेश रे, कर्म उदय जब आय जी मुनि राज सुनावे, ओछी उमर में करनी कीजिए मुनि, ओछी उमर में। सतगुरु हे लो देवे ले लो पर भव खर्चीलार, सतगुरु हे लो देवे ले लो पर भव खर्चीलार, मनुष्य जन्म है मिलनो दुर्लभ, मनुष्य मिलनो दुर्लभ, इन विध दिल में धार जी मुनि राज सुनावे, ओछी उमर में करनी मुनि राज सुनावे। बोलो सब, कोई नहीं थारो तू नहीं किनरो कर रयो मारो मारो, कोई नहीं थारो तू नहीं किनरो कर रयो मारो मारो, आयो अकेलो जासी अकेलो, आयो अकेलो जासी अकेलो, मन में करो विचार जी मुनि राज सुनावे, ओछी उमर में करनी कीजिए मुनि, एक एक पंक्ति के अंदर गुरुदेव ने बोध भर दिया है, ज्ञान का पिटारा भर दिया है, कोई इससे प्रेरणा लेने वाला चाहिए। गुरुदेव आगे फरमाते हैं, जीना थोड़ा जिसमें थोड़ा दुखड़ा को नहीं पार, जीना थोड़ा जिनमें थोड़ा दुखड़ा को नहीं पार, आयो मुट्ठी बांधने सरे, आयो मुट्ठी बांधने सरे,
जासी हाथ पसार जी मुनिराज सुनावे, ओछी उमर में करनी कीजिए मुनिराज। और अंतिम चरण में गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज साहब फरमाते हैं, चैत्र मास उगनीस सितंतर गढ़ जालोर मंझार, चैत्र मास उगनीस सितंतर गढ़ जालोर मंझार, संतोष चंद्र महाराज प्रसादे, संतोष चंद्र महाराज प्रसादे, मोतीलाल सुख कार जी मुनिराज सुनावे, ओछी उमर में करनी कीजिए मुनिराज सुनावे, ओछी उमर में करनी कीजिए। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुधी श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, गुरुदेव ने भजन के माध्यम से एक एक पंक्ति के अंदर वो ज्ञान उडेल दिया है जिसे स्वीकार करके उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को परम पावन बना सकते हैं, इस अनित्य शरीर को पाकर के, इस अनित्य जीवन को पाकर के, इस असार शरीर को पाकर के यदि इसमें से सारभूत वस्तु निकाल ली जाती है तो सच्चे अर्थों में हम बुद्धिमान कहलाने की गिनती में आएंगे। और यदि किसी सेठ के घर में हवेली में आग लग गई और उस समय में वो कोयला और लकड़ी बारे निकाले, हीरा पन्ना माणक मोती पड़िया तिजोरी में बरियोडा वे नहीं, लेकिन उसमें से छाना और लकड़ियां निकालने का काम करता है, उसको हम समझदार कहेंगे, उसको हम ज्ञानी कहेंगे, उसको हम बुद्धिमान कहेंगे। हम भी जीवन में अब तक लकड़ियों और छाने निकालने का ही काम कर रहे हैं, लकड़ियां छाने ही निकाल रहे हैं, हीरे पन्ने माणक मोती जो हमारे जीवन में भरे हुए हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप सेवा परमार्थ परोपकार भलाई, ऐसे हीरे पन्ने हमारे जीवन में रहे हुए हैं, वो काम तो करेंगे नहीं, लेकिन किसी चलते हुए को टांग अड़ा करके गिराए कैसे, वो काम करेंगे। ऐसे करने वाले लकड़ी और छाने ही निकालने का काम करते हैं। भाग्यशालियों, यदि हम अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में हीरे पन्ने निकालो। ये तो संसार जल रहा है, इस जलते हुए संसार में से जो अपने आप को विषय और कषाय से बचा लेता है वो वास्तव में अपने जीवन का संरक्षण करता है, वही अपने जीवन को परम पावन बनाने वाला होता है। जंबू कुमार ने अपनी माता पिता से कहा, यह संसार असार है, जिस समय यह जीव यहां से रवाना होगा उस समय में कोई बचाने वाला नहीं होगा। हंस हंस कर क्यों बांधता कर कर गाढ़ा रोष, भुगतन री बेला होवे जब देवे राम ने दोष। और जब व्यक्ति अपने पाप कृत्यों का दुष्परिणाम भोगता है उस समय में कोई परिवार का सदस्य आकर के उसको उससे नहीं बचा सकता, उसका संरक्षण नहीं कर सकता, अपना संरक्षण अपने हाथों में है। और वो कार्य जब हम अपने जीवन में करेंगे तो इस मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ उठा सकेंगे, अन्यथा इस संसार से व्यक्ति पाप कर्मों का बोझ लेकर के, पाप कर्मों का भारा लेकर के जब परभव में जाएगा और वहां पर नारकी जीवों को परमाधामी देव याद दिला दिला करके, तुमको ये अच्छा लगता था, तुमको ये प्रिय लगता था, तुमको वो संसार अच्छा लगता था, तुम्हें वे भौतिक चीजें बहुत आनंददायी लगती थी, तुम्हें बहुत सुख का महसूस होता था, अब उसका परिणाम यहां पर भोग लो। सचमुच में अपने कृत कर्मों का परिणाम
अकेले आत्मा को भोगना पड़ता है। जम्बू कुमार कहते हैं, बकरा बन कर कटा छुरी से महावेद न पाया था, मछली के भव में चूल्हे पर बुरी तरह पकवाया था। धर्म ही एक बचाने वाला, संयम एक बचाने वाला, माता संयम सुखकारा, रूप निरूपम गुण भंडारी, वैरागी जम्बू प्यारा। सचमुच जब माता पिता जम्बू कुमार को रोकने का प्रयत्न करते हैं, तब जम्बू कुमार अपने माता पिता से कहते हैं, हे माता पिताओ, आपका और हमारा कितने समय का साथ, दिखिनरा बादल खिन में खेरू थासी, सजनों रो मेड़ो बिछड़िया किम थासी। जिस समय ये सजनों का मेला बिखर जाएगा, ये परिवार का मेला बिखर जाएगा, उस समय में कौन किसका संरक्षण करने के लिए आएगा। इसलिए माता पिताओ, जीवन में आत्म कल्याण करने के लिए एकमात्र धर्म ही हमारा सच्चा सखा है, धर्म ही हमारा सच्चा साथी है, जो यहां पर भी शांति देता है और आगामी जन्म में भी सुख और आनंद देने वाला होता है। हे माता पिताओ, मैंने सुधर्मा स्वामी के प्रवचन से, सुधर्मा स्वामी की वाणी से इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। तभी तो 99 करोड़ का दहेज ठोकर मार करके एक ही झटके में निकल जाते हैं। जिनको अंतर की समझ आ जाती है, जिनको आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाता है, उनको ये भौतिक सुख आनंद देने वाला महसूस नहीं होता। तभी तो हमारे अनेक भाई और बहन इस पर्युषण पर्व की सुंदर धर्म आराधना करते हुए तपस्या के क्षेत्र में जूझ रहे हैं, कई मास खमन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई 9 उपवास कर रहे हैं, कोई 28 की तपश्चर्या कर रहे हैं, कोई 7 उपवास कर रहे हैं, कोई 6 उपवास कर रहे हैं।